दोस्तों, यह है रायपुर का नया अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। कुछ दुकानें कुछ कुछ लगी हुई है, ज़्यादा है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाल जी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं रायपुर का भाटा गांव बस स्टैंड, जो कि नया बस स्टैंड बना, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। और जो हमारा पुराना बस स्टैंड था, पंडरी बस स्टैंड, वो वहां से बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है। तो हम लोग अभी हैं दोस्तों रायपुर का भाटा गांव, नया जो बस स्टैंड बना है वहाँ से इसका उद्घाटन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन यहाँ से बसों का परिचालन जस्ट एक दिन पहले हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का बस स्टैंड कैसा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप दोस्तों, यह है रायपुर का नया अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, और ये सामने का ये दिखा रहा हूँ मैं, और आगे जाकर के आपको और दिखाता हूँ। तो ये है नया बस स्टैंड, ये देख सकते सामने का ऐसा है कुछ। और आपको ले चलता हूँ मैं अंदर बस स्टैंड की तरफ, और क्या क्या सुविधाएं हैं मैं दिखाता हूँ नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाटा गांव में। कुछ ऐसा है दोस्तों ये बस स्टैंड, और वहाँ से बसें सब जा रही है। इधर आप बाइक को पार्क कर सकते हैं, इधर पार्किंग का है पूरा जगह। सारा आपका ट्रेवल्स है, महिंद्रा ट्रेवल्स है, रॉयल एंड मेट्रो ट्रेवल्स है, दुबई ट्रेवल्स है। यहाँ से आप कहीं जाने के लिए गाड़ी का बुकिंग करवा सकते हैं आप बस का। दोस्तों, बता दूं कि ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, और यहाँ से बहुत सारी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ के लिए आपका गाड़ी जाती है, ये बस जाती है उस राज्य के लिए। तो पहले जब पुराना पंडरी जब बस स्टैंड था, तो वहाँ से क्या होता था कि बहुत दिक्कत होता था, ट्रैफिक जाम बढ़ जाता था। और देखिए एक दोस्त, एक और बताता हूँ, अलग अलग जगहों के लिए जैसे अलग अलग ये बना हुआ है आपका बस, लिखा हुआ है अंबिकापुर कटघोरा सूरजपुर जाने के लिए एक नंबर से आपका जाएगी ये, राम औरंगाबाद है, झारखंड गढ़वा, ये सब के लिए दो नंबर से जाएगी। और यहाँ से देखिए पूरा ये अलग लाइन बाय लाइन इसका सब कर रहे बना हुआ है ये देखिए, यूपी बनारस के लिए यहाँ जाएगी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए, ये देखिए यहाँ मंडला कवर्धा के लिए अलग। तो ये बहुत अच्छा सुविधा है, जानकारी दे दी गई है इसमें, तो दिक्कत नहीं है, यहाँ से नहीं होगा, आप इस जगह पे आ करके बैठ सकते हैं गाड़ी को। आपको जहाँ जाना है वहाँ से, वहाँ का आप यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद बस वहीं लगी हुई है उस जगह पे बैठ जाइए। तो ये सुविधा दी गई है, एक खरोरा है और पलारी है बलौदा बाजार के लिए, यहाँ से भुवनेश्वर राहुल किला के लिए वहाँ से, ऐसा ऐसा करके सुविधा आपको दिया गया है। और भीड़ भी बढ़ गई है क्योंकि पंडरी बस स्टैंड बंद हो गया है, और ये बस स्टैंड नया अंतर्राज्यीय जो बस स्टैंड है खुला है। तो चारों तरफ का आपको नज़ारा मैं दिखाता हूँ ऐसा है कुछ, और अंदर भी जाके दिखाता हूँ आपके कोई अंदर में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, वेटिंग हॉल कुछ ऐसा है, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, अरे बुकिंग काउंटर भी बनाया गया, अरे बड़ी सी पंखा लगी हुई, हेलीकॉप्टर पंखा इसको बोल सकते हैं, बहुत ही सुंदर हवा आती है। यह है वेटिंग हॉल यहाँ का, और अभी यहाँ दुकानें नहीं हैं क्योंकि नया नया है, अभी दो दिन हुआ है चालू हुआ, तो दुकानें हैं नहीं यहाँ। ये देख, सुविधाएं तो अच्छी है इसमें, यहाँ से आप बुकिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, ये देखिए ऐसा है कुछ सुविधाएं। तो दोस्तों, और आगे ले चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ आगे कि क्या क्या है। रायपुर का भाटा गांव बस स्टैंड, और बात करूँ आपको कुछ दुकानों की सुविधाएं कि, तो दुकानें अभी नया नया है तो चालू नहीं है, खुली नहीं है दुकानें। तो बसें आएंगी वो यहाँ खड़ी है, देखिए अयोध्या की है ये बसें, सुल्तानपुर इधर। तो क्या है कि बाहर के लिए जो बसें रोड के किनारे खड़ी रहती थी पंडरी बस स्टैंड में, उसके लिए एक
स्टैंड मिल गया है बसों के लिए, जिसके कारण में और जाम लगती है नहीं। और दिखाता हूँ आपको, ये चारों तरफ देखिए बस, भीड़ भी हो गई है यहाँ बस स्टैंड में। धीरे धीरे सबको मालूम चलेगा तो आएंगे यहीं, शुरू शुरू में तो दिक्कत होगा सबको, ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। ये देखिए यहाँ ऐसा है। और दोस्तों जहाँ से जहाँ बस जाएगी वहाँ के लिए हर समय आपका अनाउंसमेंट होते रहता है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बस का कितना बजे टाइमिंग है सबका। और नया बस स्टैंड रायपुर का, कुछ दुकानें कुछ कुछ लगी हुई है, ज़्यादा है नहीं, अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगी, महीना एक महीना भी या सप्ताह भर जितना जल्दी हो सके ये भर ही जाएगी, ज़्यादा दिन तो रहेगी नहीं है। अरे आपको बस स्टैंड मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, झारसुगुड़ा संबलपुर से आई हुई इधर लगी हुई है, इसका स्टैंड है, जिससे ही लोग को भी सुविधा। अच्छा बस एक जगह खड़ी है अपना, जब टाइमिंग होगा तब निकलेगी ये, जिससे कि जाम भी नहीं लगता है, तो अच्छी है ये सुविधा यहाँ नया बस स्टैंड खुलने के बाद में। और क्या है कि पंडरी बस स्टैंड में जाता तो क्या होता था कि आपका जाम हो जाता था वहाँ, तो उससे भी निजात मिलेगी शहर को। और देख सकते हैं यात्रियों की अच्छी खासी तादाद भी है, अरे बड़ी है तो पता नहीं चल रहा उतना, बहुत बढ़िया है ये। सामने आपको ले चलता हूँ, और ये इधर से देख सकते हैं ये, ऐसे करके स्टैंड है ये, गाड़ी को यहाँ स्टैंड लगा सकते हैं, और सुविधाएँ भी अच्छी खासी बड़ी है, पंजरी से तो बहुत बड़ी है ये बस स्टैंड। और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, करीब 300 बसेस आती हैं बाहर की यानी दूसरे राज्य की, तो अच्छी सुविधा है यहाँ। एक बार चारों तरफ आपको नज़र दिखा देता हूँ यहाँ से, ऐसा है कुछ। और दोस्तों ये बसेस जो हैं, जो इधर से भी मान लीजिए आ रही है ये कवर्धा तरफ से, तो ये बसेस जो है सीधा आपका वो निकल जाएगी रिंग रोड नंबर 1 होते हुए टाटी बांध से होते हुए आएगी वो, जिससे कि आप शहर में घुसने नहीं पाइएगा, ऑटो का ही सहारा लेकर के यहाँ से जाना पड़ेगा, यही है डिमेरिट शहर के अंदर जाने के लिए। बस स्टैंड जो पहले क्या होता था, बस स्टैंड उतर गए उसके बाद हम लोग कहीं से कहीं चले जाते थे। ये जा रही है देखिए इंटर स्टेट बस है ये, बैतूल इंदौर यहाँ जाएगी ये, और वो जा रही है कवर्धा सिमगा यहाँ से, जो बेमेतरफ से आएगी वो भनपुरी रिंग रोड से होते हुए घुस जाएगी ये, और शहर के अंदर नहीं जाएगी आपको। तो दोस्तों आज 2 दिन हो गया है यहाँ से अंतर्राज्यीय और राज्यीय बस परिचालन जो है आपका भाठागांव नया बस स्टैंड से चालू हो चुका है, आए बसों को देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों आपको और दिखाते हैं आगे की तरफ कि क्या है इधर, पीने का पानी और ये प्रसाधन भी दिया गया है, सुविधाएं तो बढ़िया हैं। और ये देखिए इतना लंबा चौड़ा जगह है ये, बहुत ही बढ़िया, पहले से सुविधाएं बढ़ गई है। और पीछे साइड भी ऐसा है कुछ नज़ारा, आराम कर रहे हैं लोग। इधर से है ये निकास करने का, और उधर से दिखाऊंगा मैं, तो एंट्री करते उधर से दिखाता हूं मैं आपको, इधर से निकास कर जाएंगे भी आती, उधर से एंट्री होती है, और जो उधर है इधर से सीधा जा कर के वो बाहर भी निकल जाएगी। और कुछ ऐसा इधर का नज़ारा, इधर भी बैक साइड में भी इसका पार्किंग का ये है, और वो रहा मेन, वो जो है मेन रोड है वो सीधा चल जाएगी रिंग रोड नंबर 1, जितना भी बसें हैं वो आएगी रिंग रोड नंबर 1 से। और बता दूं कि इसमें दुकानें जो ऊपर में इसका जस्ट सेकंड जो फ्लोर है उसमें खुलेगी, और क्या है कि आपको यहाँ रहने की भी व्यवस्था होगी, आप रूम रेंट पे लेकर के रह सकते हैं, होटल टाइप का ये सुविधा मिलेगी।
इस बस स्टैंड में। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपना फैमिली और फ्रेंड के साथ में, और चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद।